ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और ये होगी जुलाई मंथ, जो कि अब बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और समझ लीजिए राउंड द कॉर्नर ही है और आने वाला है। और पिछली बार मैं जून की रीडिंग डालने में थोड़ा डीले हो गई थी, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी थोड़ा सा सतर्क होकर मैंने पहले रीडिंग बनाने का सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, पहले से आप रेडी हो, तभी तो आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सो जुलाई मंथ की वो कौन सी दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हैं, घटनाएं हैं, जो चीज़ें फोकास्ट करने जा रही हूँ इस रीडिंग में, जो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए, तो उन्हें देखना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं, खैर मैं किसी को रोकना नहीं चाहती, सब फ्री विल से जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं हमें तो ये रीडिंग गलत लगती है, आपने तो हमारी गलत रीडिंग की है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बार बार आपको एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके यही बोलूँगी, मैं किसी की गलत रीडिंग नहीं बनाती, मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ। और मेरी तरह और कितने टैरो रीडर्स हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिनके मेरे ख्याल से हज़ारों, मेरे तो हज़ारों में अभी वो भी आप लोगों के सपोर्ट से हुए हैं, उनके तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो कितने सालों से दे आर डूइंग रीडिंग। मतलब आप सबका, इवन मेरा खुद का उन पर ट्रस्ट है, मैं उनको देख देख के सीखी हूँ, उन्हीं में से कोई एक मेरे को सिखाया भी है, मैंने उन्हीं में से किसी एक से सीखा है और आज मैं अगर कुछ हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। तो देखिए, जो इतने पुराने टैरो रीडर्स हैं वो ऐसे ही मार्केट में नहीं आए हैं, और इनफैक्ट उन लोगों को तो पर्सनल रीडिंग का इतना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। अब आप, मैं भी कभी उनकी वेबसाइट पे, उनके सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाकर जब अपने नाम से अपने साइन से रीडिंग देखती हूँ तो मेरी भी नहीं मैच होती, तो मुझे भी ऐसा लगता है अरे मैम की तो मेरे को मैच नहीं हुई। तो वो जनरल रीडिंग है, इतना लंबा बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अपने सन एंड मून साइन, अपने नाम राशि से, जिस चीज़ से आपको मैच करे उससे आप देखें और लाइट वे में इन रीडिंग्स को देखें, ज़्यादा स्ट्रेस लेके प्लीज़ आप मत देखा करें, ठीक है। अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैसेज था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपके लिए आने वाले जुलाई मंथ की वो दो सबसे बड़ी घटनाएं जो डिवाइन दिखा रहा है, जो आपकी लाइफ में होके रहेंगी। हम फ्रेंड्स क्लैरिफायर भी निकालेंगे, देखेंगे कि क्लैरिफायर में क्या आता है कार्ड्स के थ्रू। सो हम आज ओशोज एंड टैरो कार्ड यूज़ करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला हीलिंग, वेरी गुड। सो स्कॉर्पियो हीलिंग का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ में या बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कुछ ऐसा होना, वहाँ पर डिवाइन जुलाई मंथ आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। बहुत अच्छा कार्ड आया है डिवाइन का, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्कॉर्पियो, अगर आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन के प्लान्स बनाए या किए भी हैं मैन्युपुलेशन, आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपको गलत फहमी में रखा है, आपको अब तक बेवकूफ़ बनाया है, सो अब उस पूरी सिचुएशन में आप बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि अब ये सिचुएशन है, सामने वाला मेरे साथ ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो नाउ आई वांट कि मुझे अपने आप को कैसे डील करना है, मुझे खुद को कैसे संभालना है, क्योंकि अब तक तो आप डाउटफुल ही थे, आपको खुद ही नहीं पता लग रहा था। आप खुद ही उस मैन्युपुलेशन में हील होते नज़र आ रहे हैं, संभलते नज़र आ रहे हैं, क्लियरली आपको हर चीज़, हर एक बात दिखेगी अगर आपको सामने वाला बेवकूफ़ या क्लियर नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। सो ये है हीलिंग की, जो बहुत अच्छी, कि धोखा और मैन्युपुलेशन से आप कैसे बचते नज़र आ रहे हैं जुलाई मंथ में। एंड सेकंड इज शेयरिंग। शेयरिंग तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वहाँ पर आप अपना किसी के साथ लव, केयर, कंपैशन, अपनी लाइफ की वो अच्छी चीज़ें शेयर करते नज़र आ रहे हैं। और ऐसा क्या है, आइए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स
एंड द लवर्स। देखिए बहुत ही मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्कॉर्पियो जिन जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अटैच्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं वहाँ पर, स्पेशली अपने लवर के साथ, वहाँ पर आपको इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है। वो भी आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, आप भी समझेंगे। जुलाई मंथ आप दोनों की बॉन्डिंग को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये पर्सन भी जो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली अगर अब तक आपको नहीं दिखा पा रहा था, आप उसके साथ कुछ प्लान्स बनाएंगे जहाँ पर आप दोनों शायद कहीं मिलकर घूमने जाएँ, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कहीं जाने का कार्ड है, कहीं ऐसी जगह घूमने का कार्ड है जहाँ पर आप दोनों मिलकर सोर्सेस को यूज़ करके कहीं जा रहे हैं और कहीं कुछ फन कर रहे हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सो जुलाई मंथ भले ही मतलब अभी आपको लगता है अरे ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ बहुत ही एक्साइटिंग, कुछ बहुत ही अच्छा प्लान करते नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके लिए कुछ बहुत ही जैसे कहते हैं ना फैंटेसी वाला कुछ नया लेकर आने वाला है ये अगला महीना। इनफैक्ट अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी तो वहाँ पर भी आप दोनों अपनी बातें शेयर करते, अपने इश्यूज़ को शेयर करते और एक दूसरे के साथ एक क्लैरिटी लेते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप क्लियर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो ये मुझे आपकी तरफ कार्ड्स दिखे हैं, जो दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो मुझे दिख रही हैं, जो होती नज़र आ रही हैं, दो घटनाएँ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस रीडिंग को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और रीडिंग को प्लीज़ लाइक करें। सो क्या कहते हैं डिवाइन आपसे? सबसे पहला मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। यानी कि आप उस चीज़ पे फोकस करें, आप उस काम पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, बट आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो, आप उस चीज़ को पहले से ही मैनिफेस्ट करने लग जाइए। जैसे सपोज़ मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे, तो मैं पहले से ही मैनिफेस्ट करने लगूंगी कि हाँ इस बार तो मैं अपना टारगेट अचीव कर ही लूँगी, इस बार तो मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, इस बार तो मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। सो आप या आपको कोई डील चाहिए, सपोज़ आपको कोई पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करें उसके लिए अच्छी चीज़ें और अपना बिहेवियर भी उस हिसाब से कंट्रोल करें और अच्छा भी करें, ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक, सो देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। यानी कि आपके आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप एक्सपेक्ट करें वो सारी अच्छी चीज़ें, वो सारा कुछ आपके आसपास ही वो सब कुछ है, ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ अच्छा आता नज़र आ रहा है। सो जस्ट बी वेरी हैप्पी, इन्जॉय द अपकमिंग जुलाई मंथ जो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीडिंग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फ्रेंड्स, सो बाय फॉर नाउ।